लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कहा कि आज दुनिया के लिए उत्तर प्रदेश सबसे शानदार आर्थिक गंतव्य है। बड़े से बड़े देश भी आर्थिक गंतव्य चुनने के लिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विचार एवं दूरदृष्टि का परिणाम है। उत्तर प्रदेश में हर नौजवान को रोजगार मिलेगा, किसान समृद्ध होगा, यह प्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सिरमौर बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष शनिवार को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित पारितोषिक वितरण कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश न केवल वैभवपूर्ण संस्कृति, आध्यात्म व कठोर परिश्रम के लिए ख्याति लब्ध है, बल्कि आज विकास की दृष्टि से दुनिया का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ राज्य है। नए विचार रखने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में उद्योग, सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी आदि सभी क्षेत्रों में लंबा दृष्टिकोण बनाकर काम किया है। उत्तर प्रदेश कई देशों को मिलाकर भी बड़ा है। आज यहाँ शांति है, मजबूत कानून व्यवस्था है, न्याय, समानता व समतामूलक समाज है। जहाँ शांति रहती है वहीं प्रगति व खुशहाली भी आती है। यही कारण है कि कानून का राज और शांति होने के चलते दुनिया के लोग आर्थिक गंतव्य के लिए उत्तर प्रदेश को चुनते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री की सोच है कि यह प्रदेश आर्थिक दृष्टि से मजबूत होकर रोजगार देने वाला सबसे बड़ा प्रदेश भी बने, जबकि एक समय तक सर्वाधिक पलायन उत्तर प्रदेश से ही होता था। उत्तर प्रदेश के युवाओं को यही की धरती पर काम मिले और उनकी क्षमता का लाभ प्रदेश को मिले, उसी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आर्थिक तंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने कोरोना प्रबंधन को लेकर भी सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कोरोना संकट के दौरान न केवल डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ व कोरोना योद्धाओं का हौसला बढ़ाया, बल्कि खुद कोरोना पीड़ित होने के बावजूद लोगों के बीच जाकर उनका साहस बढ़ाते रहे। कोरोना संकट में उन्होंने सर्वश्रेष्ठ काम किया। चिकित्सा के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी तय मानकों पर उत्तर प्रदेश सबसे आगे रहे। इसी नई सोच से यहाँ काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को G20 का नेतृत्व करने का सौभाग्य मिला है। इसमें यूपी में भी कई कार्यक्रम होंगे। उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। यहाँ 76% सरफेस वाटर सिंचन होता है। लक्ष्य 100% का है। G20 के माध्यम से हम कृषि उत्पादों और उनका मूल्य संवर्धन कर किसानों को आर्थिक रूप से और समृद्ध कर सकेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि दुनिया में भारत की बदलती पहचान में युवाओं की बड़ी भूमिका है। भारत के युवाओं में चिंतन, नवाचार की अद्भुत क्षमता है। भारत को विकसित व समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं को अपने समृद्ध विरासत, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय और महंत दिग्विजयनाथ जैसे महान व्यक्तित्व व उनसे मिली प्रेरणा को भी याद रखना होगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने कहा कि गुरु गोरक्षनाथ की तपोभूमि गोरक्षनगरी आध्यात्मिक, सांस्कृतिक व ऐतिहासिक है। नाथ संप्रदाय के योगियों ने धर्म संस्कृति को मुगल शासकों के आक्रमण से बचाया। आजादी के आंदोलन में जब मदन मोहन मालवीय जी ने संस्कार प्रद व समग्र व्यक्तित्व विकास वाले शिक्षा के विचार दिए, तब महंत दिग्विजयनाथ जी ने उसी अनुरूप महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर राष्ट्रीयता व समग्र व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देने वाले शिक्षा का बीजारोपण किया। महिला शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि व आयुर्वेद शिक्षा पर भी ध्यान दिया। आज इस परिषद का विस्तार 52 शिक्षण संस्थाओं तक हो चुका है। युवाओं को प्रेरणा देने के लिए परिषद का नामकरण राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक महाराणा प्रताप के नाम पर किया। ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक नगरी में आज गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को शत शत प्रणाम करता हूं। उनके तप से, उनकी तपस्या से, उनके समर्पण से, उनकी सेवा से इस भूमि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धर्म की नगरी के रूप में सम्मान मिला है। आज खुशी है कि गोरक्ष मंदिर के
वर्तमान पीठाधीश योगी आदित्यनाथ जी ने उसी आध्यात्मिक धर्म और संस्कारों को कठिन परिश्रम से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। ये धरती जो पूरे विश्व के अंदर पूरे देश के अंदर एक नाथ संप्रदाय से जिसने गांवों के अंदर शहरों के अंदर दूर दराज इलाकों के अंदर नाथ संप्रदाय के उन सभी विचारों के मानने वाले लोगों ने महंतों ने योगियों ने भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति धर्म को मंदिरों को उन मुगल शासकों के आक्रमण से बचाने का काम किया। ब्रह्मलीन अवधेशानंद जी महाराज को भी मैं प्रणाम करता हूं और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि एक दूरदृष्टि उस आजादी के उस आंदोलन के समय महामन मदन मोहन मालवीय जी ने जो विचार रखे कि धर्म आध्यात्म के साथ जब तक हम अच्छी शिक्षा अच्छे संस्कार अच्छे विचार नहीं देंगे हम आजादी के आंदोलन की जंग जीत भी जाएंगे लेकिन नए भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे और उसी को आगे लेकर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ जी ने 1932 के अंदर जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन पीक पे था ये धरती उस आजादी आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों बलिदानों के लिए याद करने वाली धरती है। उन्होंने जहां आजादी के आंदोलन को एक दिशा दी लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि एक ऐसी शिक्षा जो व्यक्तित्व का निर्माण करे जो ऐसी पीढ़ी तैयार करे जो शिक्षा के साथ साथ अपने धर्म के साथ साथ समर्पण सेवा समर्पित राष्ट्र भक्ति के नौजवानों की एक कोष तैयार होना चाहिए और इसीलिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के नाम से एक छोटा सा संस्थान शुरू किया और आज ये संस्थान 52 से ज्यादा संस्थाओं को संचालित कर रहा है और इसने इसका नाम महाराणा प्रताप रखा। महाराणा प्रताप हम सब जानते हैं कि मेवाड़ की उस धरती में पैदा होने के बाद उन्होंने स्वाभिमान के साथ देश की रक्षा करने के लिए हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए अपना सब कुछ निभाचार करके राज को छोड़कर जंगल में जाकर घास की रोटी खाकर देश के स्वाभिमान को बचाने का काम किया। इसलिए महंत दिग्विजयनाथ जी ने इस संस्था का नाम महाराणा प्रताप के नाम से
ताकि इस संस्थान में पढ़ने वाला हर नौजवान महाराणा प्रताप के जीवन, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनकी स्वाभिमान से प्रेरणा लेकर एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो जो आजादी के आंदोलन में भी सक्रिय भागीदार, जिसमें देश के नौजवानों में अच्छी शिक्षा, संस्कार, समग्र विकास के साथ राष्ट्रभक्ति हो, देशभक्ति हो, स्वाभिमान हो। और इसीलिए उस समय की इसकी पीढ़ी को तैयार किया जिसे आज हम कह सकते हैं कि आजादी के 75 साल बाद हम इस देश को एक विकसित राष्ट्र, एक समग्र दृष्टिकोण का राष्ट्र, जिसमें हमारा नौजवान बौद्धिक क्षमता के साथ साथ नए सोच, नए विचार, नए नवाचार, नए चिंतन के साथ किस तरीके से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के अपने संकल्प को पूरा करें। और इसीलिए महंत दिग्विजय नाथ जी ने उस समय आजादी की लड़ाई का नेतृत्व किया और उसके साथ साथ आजादी की लड़ाई के साथ एक ऐसे नौजवानों को अच्छी शिक्षा, आप देखिए कि 52 संस्थाओं के समय, उस समय उन्होंने महिला शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, एग्रीकल्चर पर, आयुर्वेद पर, मेडिकल कॉलेज पर, कोई शिक्षा का ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसकी संस्थान उन्होंने शुरू नहीं की। और उसके साथ साथ उस समय गोरखपुर में विश्वविद्यालय बनना चाहिए, जितनी जमीन, जितने संसाधन सब सरकार को देकर गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की। ऐसे महंत को हम आज इस संस्थापक दिवस पर याद करते हैं। उनकी त्याग, तपस्या, उनका सोच, उनकी दूरदृष्टि से हमें नई प्रेरणा मिलती है ताकि हम आने वाले समय के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो संकल्प है एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उस संकल्प को पूरा कर सके। और साथियों, देश हो, दुनिया के अंदर हो, जो कुछ भी देश दुनिया के अंदर बदलाव लाए, वो बदलाव लाने का कारण हमारे नौजवानों ने किया। और इसीलिए उस बदलाव करने की अद्भुत क्षमता, चिंतन, सोच, नवाचार, विचार भारत के नौजवान के पास है। और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में हमारे सामने जो नौजवान पीढ़ी बैठी है, जो बौद्धिक क्षमता से, जिसमें नए करने की सोच है, वही बदलाव लाकर इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करेंगे। और इसीलिए एक समृद्ध राष्ट्र के लिए उसकी समृद्ध विरासत को याद करना, उस समय किस तरीके से महंत दिग्विजय नाथ जी ने एक समग्र दृष्टिकोण के साथ काम किया, तो हम हमारी विरासत को याद करें, हमारी समृद्ध संस्कृति को याद करें, हमारा समर्थ आध्यात्मिक धर्म और सारे महान व्यक्तित्व जिन्होंने उस समय नौजवानों की पीढ़ी को प्रेरणा दी, आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है।
स्वामी विवेकानंद हो, मदन मोहन मालवीय हो, महंत दिग्विजयनाथ हो, इन सब ने कहीं ना कहीं भारत के नौजवानों को दिशा दी, एक मार्गदर्शन दिया। और इसीलिए हम हमारी विरासत को भी याद करें वर्तमान में और भविष्य के अंदर एक नए भारत बनाने के संकल्प को पूरा करें। आज मुझे खुशी है कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद इसी तरीके से विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से, जिसमें हजारों विद्यार्थी भाग लेते हैं, उन प्रतियोगिताओं को आयोजन के पीछे मकसद ये रहता है कि हम एक स्वस्थ कंपटीशन कराएं। उस स्वस्थ कंपटीशन के अंदर सब लोग शिक्षा के साथ अपने समग्र विकास, अपने व्यक्तित्व विकास, इसलिए यहां प्रतियोगिता चलने वाले सप्ताह के अंदर केवल शिक्षा के अंदर कंपटीशन नहीं होता, एक नौजवान के समग्र विकास के लिए, उसके नए दृष्टिकोण को बनाने के लिए उन सारे विषयों पर प्रतियोगिता होती है जो हमारी विरासत को भी याद करे, हमारे वर्तमान को भी, और हम भविष्य के अंदर जो बदलाव करने जा रहे हैं उसमें स्वस्थ प्रतियोगिता के रूप में सभी विद्यार्थी भाग लें। मैं उन सब विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिन्होंने इस प्रतियोगिता में जीतकर विजेता के रूप में विजेता बने, और उन नौजवानों को जो इस प्रतियोगिता में नहीं जीत पाए, अगली बार और कड़ी मेहनत करके और परिश्रम कर निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर वो प्रतियोगिता में जीते, ऐसी मेरी उन सबको शुभकामनाएं। साथियों, उत्तर प्रदेश देश का वो राज्य है जहां की वैभवपूर्ण संस्कृति, यहां के आध्यात्मिक, यहां के कठिन परिश्रम करने वाले लोग, आजादी के आंदोलन की विरासत, लेकिन उसके साथ बदलते उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जो आध्यात्म भी है, संस्कृति की नगरी भी है, देश प्रदेश भी है, लेकिन जो विकास की दृष्टि से, जो नए आधुनिक विकास की दृष्टि से दुनिया का सबसे बढ़ता हुआ देश, जिसके एक समग्र दृष्टिकोण, नए विचार रखने वाले मुख्यमंत्री, जिन्होंने अपनी वैभव संस्कृति से संस्कृति, आध्यात्मिक, धर्म की नगरी प्रदेश बनाने के साथ साथ किस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे इंडस्ट्रीज का सेक्टर हो, चाहे सर्विस का सेक्टर हो, चाहे नौजवानों को अच्छी शिक्षा मिलने का हो, अच्छी चिकित्सा हो, तकनीकी ज्ञान विज्ञान, उस दिशा के अंदर एक लंबा दृष्टिकोण बनाकर काम शुरू किया। उत्तर प्रदेश जो विश्व के कई राज्यों को मिलाकर भी देश नहीं बन सकते, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश के अंदर शांति है, कानून व्यवस्था बेहतर है, हर व्यक्ति को न्याय, सम्मान, समतामूलक समाज का निर्माण की योजना, और इसीलिए जिस देश के अंदर शांति होती है वो देश और प्रदेश प्रगति और खुशहाली की ओर बढ़ता है। आज दुनिया के लोग आर्थिक डेस्टिनेशन के लिए उत्तर प्रदेश की धरती को चुनते, भारत का जितना उद्योगपति
मुझे पता नहीं कि इसके पहले मैंने कभी कोई उद्योगपति मुझे मिला और जिसने कहा मैं उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कारखाना उद्योग लगाना चाहता हूं। लेकिन कानून का राज, उसके कारण दुनिया की बड़े से बड़ा देश भी एक आर्थिक डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश उसकी प्राथमिकता होती है। और किस तरीके से यहां के मुख्यमंत्री जी का सोच है कि अगर उत्तर प्रदेश को आर्थिक प्रदेश बनाना है, यहां लोगों को रोजगार मिले। मुझे याद है कि सबसे ज्यादा अगर पलायन होकर देश के अंदर जाता था तो उत्तर प्रदेश का व्यक्ति जाता था, चाहे मेरे कोटा के अंदर हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, तमाम प्रदेश के अंदर आपको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का व्यक्ति प्रदेश में मिलेगा। और इसीलिए उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के नौजवान को उत्तर प्रदेश की धरती पर काम मिले, उसकी बौद्धिक क्षमता का, उसकी नई इनोवेशन करने का, नए विचार का, नया चिंतन का लाभ उत्तर प्रदेश को मिले, इस देश को मिले। और इसी दृष्टिकोण से आज उत्तर प्रदेश आर्थिक तंत्र के रूप में भी तेजी से बढ़ रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। जब कोरोना वैश्विक महामारी थी तो परिवार के परिवार लोग आपस में नहीं मिलते थे, उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने उन डॉक्टरों का, उन नर्सिंग स्टाफ का, उन काम करने वाले सब कोरोना योद्धाओं का हौसला तो बढ़ाया, लेकिन खुद व्यक्तिगत रूप से कोरोना पीड़ित होने के बाद भी हर अस्पताल में गए और लोगों का जो साथ बढ़ाया, उसके कारण उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के अंदर जहां हजारों गांव घानियां है, उसके अंदर उन्होंने स्वास्थ्य की दृष्टि से एक निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ काम किया। और आज इसी दृष्टिकोण से चाहे मातृ शिशु मृत्यु दर हो, हर सेक्टर के अंदर आज बात हो रही थी किस तरीके से उत्तर प्रदेश ने केवल उन चिकित्सा के उन मानकों को राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं, आने वाले समय के अंदर चाहे शिक्षा हो चाहे चिकित्सा हो, उन दो मापदंडों पर सबसे आगे उत्तर प्रदेश और क्षेत्र में आगे रहे, इस दिशा के अंदर एक नई सोच के साथ काम किया जा रहा है। मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर हमको G20 की अध्यक्षता करने का एक बड़ा सौभाग्य मिला है और उत्तर प्रदेश के अंदर भी G20 को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर उत्तर प्रदेश जहां 76% सरफेस वाटर से सिंचित पानी होता हो, लक्ष्य है कि 100% हम किस तरीके से सरफेस वाटर पहुंचाकर यहां के किसानों को समृद्ध कर सके, खुशहाल कर सके, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है, इसलिए एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़े, उसका वैल्यू एडिशन बढ़े और आने वाले समय में G20 की कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां का पैदा हुआ एग्रीकल्चर का उत्पादन को वैल्यू एडिशन कर हम दुनिया के अंदर बेचकर भारत की उत्तर प्रदेश भारत के किसान को आर्थिक रूप से समृद्ध कर सके, इस दिशा के अंदर भी G20 में विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। मैं इस मौके पर विशेष रूप से महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उन सभी संचालकों का, उनके अध्यक्ष जी का और एक मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर जो मुख्यमंत्री जी ने इस शिक्षा परिषद के माध्यम से
शैक्षणिक दृष्टिकोण को एक नई दिशा दिए। आने वाले समय में यहाँ पे पढ़ने वाला बच्चा देश और दुनिया में नेतृत्व करेगा, क्योंकि शिक्षा के साथ समग्र दृष्टिकोण, आध्यात्मिक धर्म का दृष्टिकोण, अच्छे संस्कारों का दृष्टिकोण उसको दिशा देगा। मैं पुनः एक कार्यशील लोकतंत्र के रूप में उत्तर प्रदेश और भारत ने अपनी छवि बनाई है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमारी प्राचीनतर लोकतंत्र पद्धति और किस तरीके से लोकतंत्र के माध्यम से हमने 75 साल की यात्रा में आर्थिक सामाजिक विकास किया, उस लोकतंत्र की सशक्त मजबूत करने में उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करते हुए हमारे हर विद्यार्थी और नौजवानों के अंदर अपने कार्य में, हमारे व्यवहार में, हमारे आचरण में लोकतंत्र की कार्यशैली हो और किस तरीके से हम चर्चा, संवाद, बातचीत कर हमारी सारी समग्र दृष्टिकोण लगाकर किस तरीके से उत्तर प्रदेश और भारत को बढ़ा सकते हैं उसमें हमारा योगदान दें। पुनः आज मुझे अच्छा लगा, मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर मैं आया, गोरखनाथ मंदिर के मैंने दर्शन किए और उनके दृष्टिकोण का भी बातचीत से पता चला। मैं इस विश्वास भरोसे के साथ कह सकता हूं, आप इंतजार कीजिए, एक दिन वक्त आएगा कि उत्तर प्रदेश दुनिया के अंदर आर्थिक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा, उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर नौजवान को यहाँ रोजगार मिलेगा, यहाँ का किसान समृद्धशील होगा, एक शांत प्रदेश, एक कानून का राज का प्रदेश होगा और हम हर स्तर पर उत्तर प्रदेश देश और दुनिया में आगे रहेगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं आप सभी को, पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।